वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉन्ग समय तक हमारे जो है हेयर में डाई टिकी रहे, बाल हमारे ब्लैक रहे, लॉन्ग समय तक रहे, काफी समय तक हमें लगाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम जो है डाई तैयार करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा पानी और चाय की पत्ती हमें चाहिए होगी। तो देखिएगा, पानी और चाय की पत्ती मैंने इसमें डाल दिया। पानी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जितना आपको डाई बनाकर रखना हो उतना आपको पानी ले लेना है। तो चलिएगा, मैं अभी गैस का फ्लेम जो है ऑन कर देती हूँ। तो ये देखिएगा, गैस का फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया और ये पानी जो है अभी हम इसका खोलने का वेट करते हैं। खोलना स्टार्ट हो गया। अब जो हमें इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट में डालना होगा, चाय की पत्ती तो हमने इसमें डाल रखी। चाय की पत्ती जो है मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून डाली है। आप देख सकते हैं जरा सा पानी है, उसमें 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ चाय की पत्ती डाली है। और जो मुझे अब इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट डालना होगा वो है नेस्कैफे। नेस्कैफे मैं यहाँ पे पूरा पाउच डालूंगी, क्योंकि हमें लॉन्ग समय तक अपने बालों में जो है कलर को रखना है और ये डार्केश कलर आएगा, तो यहाँ पे मैं पूरा पाउच इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिएगा इस तरीके से। और अब हम इसका जो है हाफ रहने का वेट करते हैं कि पानी जो है आधा रह जाए, ताकि ये डार्क कलर हमें दे इस तरीके से। तो ये देखिएगा, इतने पानी खोल रहा है तो हम इतने अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं अपनी। तो देखिएगा, इस तरीके से मैंने जो है आयरन की कढ़ाई ले ली। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट डालना होगा वो है मेहंदी पाउडर। जितनी आपको डाई बनानी हो उतना आप मेहंदी पाउडर ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से 2 टेबल स्पून मेहंदी पाउडर लूंगी। अब जो हमें इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट डालना होगा वो है इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा कलर देता है, नेचुरल है। तो ये देखिएगा, 2 टेबल स्पून ही हम इसमें इंडिगो पाउडर ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, अब जो है हमें जो चाय की पत्ती का पानी था, अभी हम देखते हैं कितना खदक गया वो। तो ये देखिएगा, ये जो है अब ये अच्छे से खोल जाता है हमारा, मतलब ये हाफ रह जाए, इतना डार्क कलर हमें मिल जाए। चलिएगा, अब जो है हम इसे छान लेते हैं। तो देखिएगा, पानी जो है हमने इस तरीके से छान लिया है। अब हमें इसके अंदर में एक इन्ग्रीडियंट और डालना होगा, वो है AA+ कॉफ़ी। तो देखिएगा, ये है AA+ कॉफ़ी और इन सब का पाउच का मैंने रिव्यू कर रखा है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसका मैं अलग से आज कर दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कॉफ़ी जो है हमारे बालों को नरिशिंग करेगी, फेस के लिए भी होती है बहुत। तो चलिएगा, मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून यही कॉफ़ी जो है इसमें ऐड करूंगी। इस कॉफ़ी का जो कलर है वो इस तरीके का है, कॉफ़ी जैसे कलर का नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसे ऐड करती हूँ अभी तरीके से। इसमें ये कॉफ़ी 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। और अब जो हमें इसमें डालना होगा वो है गुड़हल के फूल का पाउडर। आपका कलर को जो है बरकरार रखता है, काफ़ी लॉन्ग समय तक हमारा बाल का लेंथ भी बढ़ाता है और बाल को घना भी करता है। तो मैं यहाँ पे गुड़हल के फूल का पाउडर डालूंगी। तो देखिएगा, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गुड़हल के फूल का पाउडर ले लिया इस तरीके से। और अब जो है हमें इसे घोल देना है, फी वाला पानी था उससे थोड़ा थोड़ा आप करके घोल लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आपको जो है अच्छे से इसे घोल लेना है, बर्तन में छोड़ना होगा, तो इसलिए आपको जो है इसे ऐसे ही रहने देना है, पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा। क्योंकि जो है अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पानी सूख जाता है और मेहंदी जो है ड्राई आउट हो जाती है। 3 घंटे हमें ऐसे ही छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 घंटे आप जो है इसको ऐसे ही आयरन के बर्तन में छोड़ दीजिए। चलिएगा, मैं इसे अब ढककर रख देती हूँ, 3 घंटे बाद देते हैं। तो देखिएगा, जो है 2 से 3 घंटा बीत चुका है और इस तरह की हमारी जो हमने मेहंदी गोली थी, इस तरह की डाई जो हम बना रहे थे, ये देखिएगा इस तरीके की हमारी बनकर रेडी हो गई। अब जो आपको हेयर में लगानी, कम से कम 2 घंटे इसे अपने बालों में ज़रूर रखना है। आपका हेयर जो है वॉश आउट होना चाहिए, यानी कि धुलावा, साफ सुथरा आपका बाल होना चाहिए। आपको इसे कम से कम 2 घंटे लगाना, वीक में आपको इसको 2 बार लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ताकि जो कलर है आपके अच्छे से चढ़ सके। उसके बाद जो है आप देखेंगे लॉन्ग समय तक आपके हेयर में आपको कोई कलर, आपको कोई डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप जल्दी जल्दी शैम्पू करते हैं तो ये कलर उतरने लगता है, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से बना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जल्दी जल्दी शैम्पू करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो हेयर है वो क्लीन आउट होगा, क्योंकि जो शैम्पू होता है वो बालों को साफ करने का काम करता है। तो आपके साफ करने के साथ साथ जो कलर हमारा चढ़ा है वो भी उतर जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक जो रिग्रो हेयर होता है, यानी कि सफ़ेद बाल, आपका जो नीचे से रिग्रो हेयर होता है,
वो जब आ जाता है तो मेहंदी वहाँ से जाने लगती है, जो हमने डाई बनाई है वो वहाँ से जाने लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जो है हेयर मास्क ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, आपको वो ज़्यादा अप्लाई करने ताकि रिग्रो हेयर भी जो ब्लैक हो जाए, और हेयर ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जो रिग्रो हेयर आए वो ब्लैक आए। और अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना, प्रोटीन वाली चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, आंवला वगैरह आपको ज़रूर लेना है, जिससे हमारा रिग्रो हेयर भी ब्लैक हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो है नॉर्मल वाटर से ही अपना हेयर वॉश आउट करना, शैम्पू नहीं करना। शाम को जो है आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है और नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।